तो फाइनली गाइज यूट्यूब के पैसे से हमने खरीद लिया है कि डिजीटेक का वायरलेस माइक। ये देखो, ये है डिजीटेक का वायरलेस माइक, आप देख सकते हो। इसका दोस्तों हम आज की इस वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे। अभी जो मैं माइक लगाया हूँ, ये है दोस्तों बोया का M1 माइक, ठीक है। ये वायर वाला माइक है और ये जो है ये वायरलेस माइक है। और इसका प्राइस कितना में है, कितना में मेरे को मिला है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। इसमें दो माइक है और एक रिसीवर है, ठीक है। तो कैसे ये कनेक्ट होता है, किस तरीके से वर्क करता है, सारा कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। दोस्तों एक यूट्यूबर का ड्रीम होता है कि मैं भी एक वायरलेस माइक लूँ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है वायर वाला माइक का कितना झंझट होता है, बार बार लगाना इधर उधर। साथ ही ब्लॉगिंग करोगे और ब्लॉगिंग में तो ये माइक बिल्कुल ही नहीं चलता। ब्लॉगिंग करने के लिए भी यही माइक आपको चाहिए, वायरलेस, जिससे कि एक मोबाइल में कनेक्ट हो और एक आपके यहाँ पे कॉलर पे लगा हो, ठीक है। अगर आप फूड ब्लॉगिंग भी करते हो तो उसमें भी यही वायरलेस माइक का यूज होता है, जिसमें एक माइक जो है वो सामने वाले को आप दे सकते हो और एक माइक से आप खुद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर या फिर जो भी उसको बोलना है वो आप बोल सकते हो, ठीक है। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और दिखाते हैं किस तरीके की क्वालिटी है, क्या क्या इसमें हमें देखने को मिल जाता है, कितना प्राइस लगा है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। सो फाइनली गाइज ये देखो, यहाँ पे डिजीटेक का ब्रांडिंग है, यहाँ पे माइक आपको दिखाई दे रहा है, सारा कुछ जो भी यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और कनेक्टिविटी वगैरह, चार्जिंग, सारा कुछ आप देख सकते हो यहाँ पे। 360 साउंड, ये सब बहुत सारा मतलब यहाँ पे आपको मेंशन किया हुआ है, मिल जाएगा। सो आप पढ़ सकते हो इसको, इधर के साइड देख लेते हैं। सो इधर QR है एंड यहाँ पे क्या क्या हमें माइक के अंदर मिलने वाला है वो सभी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो चलो इसको यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करेंगे तो ये देखो कुछ इस तरीके का हमें एक बॉक्स देखने को मिल जाता है। डिजीटेक की ब्रांडिंग यहाँ पे मिल जाती है ब्लैक कलर में, काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। एंड यहाँ पे एक चैन मिल जाता है जिसे हम इस तरीके से खोल के इसको ओपन कर सकते हैं। एंड ओपन करते हैं तो ये देखो गाइज, ये रहा हमारा डिजीटेक का माइक, ठीक है। सो गाइज ये आप देख सकते हो यहाँ पे जो है ये वाला देख सकते हो, ये है शायद, ये देख सकते हो ये है रिसीवर, ठीक है। ये आपके मोबाइल में कनेक्ट होगा। उसके बाद ये रहा दो माइक, ये देखो एक ये माइक है, उसके बाद एक ये माइक है, ठीक है। ये दो माइक है तो चलो इसको साइड में रखते हैं यहाँ पे, या फिर इसी में रहने तो क्या ही दिक्कत है। उसके बाद इसमें देख लेते हैं क्या क्या मिलता है। तो ये देखो ये एक है टाइप सी एंड 3.5 जैक, ठीक है, जैक है तो इससे भी आपका काम चल जाएगा, ये भी इसमें आपको मिलता है। उसके बाद एक और केबल मिलता है जो कि आप देख सकते हो, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें शायद दो टाइप सी हैं, देख लो इसी से दोस्तों, ठीक है। ये आप चाहो तो अपने लैपटॉप वगैरह में लगा सकते हो एंड यहाँ से ये आप अपने टाइप सी फ़ोन में लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये देखो एक ये टाइप सी एंड टाइप सी दोनों एक ही तरह का मिलता है। अगर आप टाइप सी चार्जर में लगाना चाहो उसमें लगा के भी आप यूज इसे कर सकते हो। एंड बहुत सारे यहाँ पे हमें केबल्स पहले देखने को मिल जाते हैं, ये भी डबल है, ठीक है। मतलब केबल्स का कोई यहाँ पे कमी आपको नहीं दिया गया है। देखो ये आईफोन यूजर के लिए है, अगर आपके पास आईफोन है तो आप इसे यूज कर सकते हो। यहाँ पे टाइप सी दिया गया है एंड यहाँ पे आईफोन का जो चार्जर होता है उसमें आप लगाओगे चार्जिंग में तो ये यहाँ पे सपोर्ट कर लेगा। उसके बाद एक हमें इसके अंदर मिल जाता है ईयरफोन, ठीक है। ये देखो एक ईयरफोन मिलता है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का ये मुझे लग रहा है। तो चलो ये तो मेरे पास पहले से था, इसको साइड में रख लेते हैं। एंड और इसे हमें इसमें हमें क्या मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो है दो, ये देख सकते हो इसका, ये यहाँ पे लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। माइक जो है ना इसको यहाँ पे लगा दोगे तो अगर हवा ये सब में ज़्यादा आप आंधी तूफान में वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हो तो इसको इस फिल्टर को आप लगा के यहाँ पे रिकॉर्ड करना, जिससे कि इसमें जो साउंड की क्वालिटी है वो ख़राब नहीं होगी, जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही आएगा, ठीक है। तो ये हमें दो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो चलो इसका तो यूज़ हम करेंगे ब्लॉगिंग करने में, बाकी इसको ऐसे ही रख देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे ये देखो कुछ मैनुअल्स मिल जाते हैं, जिससे दो देख के आप इसका यूज के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। तो चलो दोस्तों ये कनेक्ट कैसे होता है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखो मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ अपने फ़ोन में, ठीक है। ये टाइप सी लूँगा, दोनों साइड टाइप सी है, एक मैं अपने टाइप सी चार्जर वाला जो है पॉइंट उसमें डालूँगा मोबाइल के। तो ये देखो ये है हमारा रिसीवर, ठीक है।
रिसीवर है एंड यहाँ पे ये वाला ऐसे लगेगा, आप देख सकते हो ये वाला, इसको ऐसे लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपको लाइव साउंड सुनना है तो यहाँ पे दोस्तों आप जो इसके साथ ईयरफोन मिला था ये वाला, इसको लगा के आप लाइव साउंड सुन सकते हो, ठीक है। और बाकी एक ये माइक है, तो आप देखो ये कनेक्ट कैसे होता है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर हम प्रेस करके रखेंगे इसको, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर प्रेस करके रखेंगे। सो गाइज ये देखो ये यहाँ से ओपन हो चुका है एंड इसे भी हमें प्रेस करके ही रखना है। ये देखो ये दोस्तों यहाँ से ओपन हो चुका है हमारा माइक एंड ये कनेक्ट भी खुद ही हो जाएगा। आप देखो एक मेरे पास फ़ोन है, ठीक है। तो ये जो रिसीवर है, ये वाला रिसीवर, इसको आपको यहाँ पे देखो ये टाइप सी चार्जर है, इसमें दोस्तों आपको ऐसे कनेक्ट करना है, ठीक है। इसमें कनेक्ट करोगे आपका जो माइक है वो दोस्तों मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप रिकॉर्ड करोगे तो आपके फ़ोन में रिकॉर्ड होगा। सो फाइनली गाइज ये देखो ये बोया वाला माइक था वायर वाला, इसको हमने हटा दिया है और अभी दोस्तों जो रिकॉर्ड हो रहा है वो इस वाले माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। एंड इसमें दो मोड आपको देखने को मिल जाते हैं, एक तो ये अभी नॉर्मल मोड पे रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अगर आप अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर रहे हो और आपका स्टूडियो जो है बिल्कुल साउंड प्रूफ है, उसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, तो अभी जो मोड पे है, ठीक है, नॉर्मल मोड, इस पे आप रखना। अगर आप कहीं भी ऐसे जगह जाते हो जहाँ ज़्यादा क्राउड हो रहा है, ठीक है, क्राउडली एरिया में अगर आप जाते हो तो इसमें एक ऑप्शन मिलता है इको, ये देखो ये वाला एक बटन मिलता है माइक के ऊपर, आप देख लो यहाँ पे एक बटन है, इसको हम जैसे ही ऑन करेंगे, देखो यहाँ पे हमने इसे ऑन कर दिया है, यहाँ पे आप देखो माइक में ये ग्रीन सिग्नल एक आ जाएगा, ठीक है। और अभी का आप एक साउंड चेक कर सकते हो, ठीक है, अभी कैसा आपको साउंड मिल रहा है। तो गाइज आपको मैंने इसका दो साउंड चेक करवा दिया है। अगर आप ज़्यादा क्राउडली एरिया में जाके ब्लॉगिंग वगैरह कर रहे हो या फिर वीडियो शूट कर रहे हो तो उसमें दोस्तों ये वाला जो एक मोड है यहाँ पे इको लिखा हुआ है, इसको दोस्तों आपको ऑन कर देना है। यहाँ पे ग्रीन जलने लगेगा तो समझ लेना ये इको में स्विच हो चुका है एंड आप इससे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है, क्राउडली एरिया में। अगर आप स्टूडियो में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो इस पर एक बार प्रेस कर देना है एंड ये नॉर्मल मोड आ जाएगा, इसमें आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये दो साउंड क्वालिटी आपने देख लिया इस माइक का, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना दोनों में से कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगी है। एंड आप ये जो बोया वाला वायरलेस वायर वाला माइक जो था, ठीक है, एंड ये वाला माइक, इन दोनों में से किसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।